अब कोई भी नंबर टेंथ प्लेस पे क्या होते हैं, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इस तरीके, फिफ्टी नाइन्टी हंड्रेड इस तरीके से जाते रहते हैं। टेंथ प्लेस, ये टेंथ प्लेस हो गई ना, क्लियर। अगर मैं आपको कोई नंबर दूं 14, फोर्टीन पहली बात तो कौन से दो टेंथ प्लेसेस के बीच में लाई करता पे है? 14 कौन से दो टेंथ प्लेसेस के बीच में है? 10 20 के, 20 30 के, 30 40 के, किसके? ये है 10 और 20 के बीच में. 10 और 20 के बीच में, ठीक है ना। अब उसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, इमेज आ रही है। अब हाँ 14 का है ये रहा, हाईलाइट हाँ करो 14 को। 14 गुड, को हुई ठीक नहीं है, रहा, हो गया. हाँ हो गया हो गया, ठीक है 14। अब अगर मैं यहाँ पे, आप खुद बताओ, बॉल अगर मैं इस पहाड़ पे यहाँ पे 14 पे रख दूँ, बॉल नीचे जाएगी या आगे जाएगी, ये बताओ? नीचे जाएगी. नीचे जाएगी ना, तो रोल डाउन हो जाएगा, तो रोल डाउन होके कहाँ पहुंचेगा? 10 10 पे। तो इसका जो राउंड ऑफ हो गया वो क्या हो गया? 10 10। सिंपल, सिंपल इजी है ना। इजी है. एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी के ऊपर। सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं 17। मुझे एक चीज बताओ। 17. हाँ, 17 पहले, हाँ किसके बीच का नंबर है? पहला स्टेप है 17 किसके बीच का नंबर बीच है में है? वो है 10 और 20 के बीच का, वो भी हाँ, तो ऊपर मैंने उसका पहाड़ बना रखा है, तो रोलर हाँ. कोस्टर कहता और हूँ उसको। 10 से लेकर 20 तक तो हमें ना 17 कहाँ पर है उसको हाईलाइट करा. ये रहा वेरी 17. गुड वेरी गुड। अब तो वो रोल अप होगा 17 या रोल डाउन होगा? रोल ऊपर करेगा या नीचे करेगा? तो वो नीचे करेगा, तो नीचे आकर कहाँ पर रुकेगा? वो 20 नहीं, पर. इसमें हमें कहते हैं तो रोल इज अप। इक्वल देखो रोल अप. अगर, हाँ अगर वो इस तरीके से जाता है ऐसे, तो इसे कहते हैं रोल डाउन, और अगर यूं जाता है तो इसे कहते हैं रोल अप। आगे जा रहा है ना, इट्स गोइंग अहेड, इसे कहते हैं रोल अप। तो इसका आंसर तो 20 होगा ना. हाँ, इसका आंसर क्या होगा? 20। 20. इज इट क्लियर? यस. गुड। अब फिफ्टीन फिफ्टीन पे कोई रुकता है? कोई नंबर 15 पर? हाँ, 15 पे अगर कोई रुकता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 ही था। अब इस केस में क्या होगा? अब देखो, रोल डाउन के लिए इधर होना चाहिए, पीछे गिरना चाहिए, और 16 से आगे रोल अप होना चाहिए 15 पे। लेकिन वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच चुका है, स्टेबल हो चुका है, तो हम उसको रोल अप ही नहीं करेंगे, कर सकते रोल अप आप ही। ही करें, डाउन नहीं कर सकते. डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक तो इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, क्लियर। एंड एक और क्वेश्चन देख, क्लियर. हम उस पे आ जाते हैं, वर्कशीट पे आ जाते हैं। कहाँ गई वर्कशीट? सेवेंटी सेवेंटी टू टू 72 है 70 और 80 के बीच का नंबर. तो गुड। ये तो ना, ये 72 है
ये है इधर है जैसे 72 तो वो रोल डाउन करेगा गुड तो आएगा 70 आंसर वेरी गुड लिख दो फिर वेरी गुड बिल्कुल ठीक है एक और कर लेते हैं 11th वाला करके देखो 11th वाला 9 हाँ 9 है 0 और 0 और 10 के बीच का नंबर तो 9 इधर है जैसे तो उसको रोल अप करना है तो आएगा आंसर 10 देखो 9 है 0 और 10 के बीच में ठीक है ना और 9 यहाँ पर आएगा कहीं पर है ना 9 यहाँ पर आएगा और ये 5 से तो बहुत दूर है और ये डाउन अप हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 10 गुड 10 क्लियर क्लियर अब एक और करके दिखा दो 9 कौन सा 9th क्वेश्चन 9 वाला हाँ और ये है 0 ये तो 0 और 5 के बीच का नंबर नहीं है हमें राउंड नियरेस्ट क्या करना है 10 अच्छा 5 अगर नियरेस्ट होता है तो 5 का करते हैं हाँ नियरेस्ट 10 है फिर ये 0 और 10 के बीच का नंबर तो है 2 है इधर 1 और यहाँ पर 2 तो यहाँ जाएगा रोल डाउन गुड तो आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर होगा 0 0 गुड ठीक है नाइस समझ में आया अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ सपोज करो 95 95 उसका बताओ आंसर मेरे को वैसे ही पता चल गया बताओ शायद है 100 हाँ वेरी गुड 100 होगा नाइस अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 हो गया समझ में आ गया अब सेम मेथड से हम करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 अगर हम 100 का राउंड कर रहे हैं तो उसमें 100 डिजिट तक होने चाहिए ना देखते हैं ये देखो अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 में क्या होगा ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है 100 150 गुड फिर 200 150 के बाद क्या है ये नीचे 200 है 200 200 फिर 20 ठीक है 20 तो क्योंकि हमने अभी क्या बोला 100th प्लेस पे करना है 70 80 90 100 ठीक है अब जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं वापस पहला क्वेश्चन क्या है 281 पहला क्वेश्चन क्या है 281 अब 281 अगर मैं यहाँ पे लिखूं ठीक है वन क्या है वन्स प्लेस एट क्या है टेंथ प्लेस और टू क्या है हंड्रेड प्लेस ठीक है टू क्या है हंड्रेड प्लेस और हमें राउंड ऑफ किस पे करना है हमें राउंड ऑफ 100 पे करना है राउंड ऑफ हमें 100 पे करना है तो हमें राउंड ऑफ इस नंबर पे देखना पड़ेगा अब ये टू बताओ 200 किसके बीच में आता है 200 किसके बीच में आता है 281 अच्छा 281 280 और 290 वो तो 10th प्लेस पे हुआ ना अच्छा 280 और 380 नो अब 281 देखो इधर सामने करा मैंने 281 किसके बीच में आएगा 200 और
300 अच्छा 100th प्लेस पे देखना है ना 100th प्लेस तो 81 को छोड़ देना है ना हाँ अभी के लिए छोड़ देंगे अब सामने आपने देखा होगा 200 और 300 मैंने लिख दिया यहाँ पे पहाड़ पे रोलर कोस्टर पे अब 281 बताओ मार्क करो कहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा 281 के वेरी गुड अब अगर बॉल मैं यहाँ पे रख दूँ तो रोल अप होगा रोल डाउन होगा रोल अप होगा तो ये 300 आएगा 281 आंसर क्या होगा 300 बस आंसर समझ में आया हाँ एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं इसी तरीके से सपोज आपको एक क्वेश्चन हाँ मैं क्वेश्चन देता हूँ बताओ इसका 235 का वो बीच तो हम ये वाला प्लेस देखेंगे तो वो होगा 200 और 300 के बीच में तो अगर 235 एस्टिमेट में होगा यहाँ पर 230 के बीच में यहाँ ऐसे ठीक है तो यहाँ रोल डाउन करेगा रोल डाउन होगा तो टू आंसर इज 200 गुड वेरी गुड चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ 870 इसका बताओ 800 तो ये है 800 और ये वाले देखना तो 800 और 900 के बीच बीच का नंबर है गुड और तो ये अगर हम देखें तो 870 रोल अप होगा तो 900 पे जाएगा क्यों रोल अप होगा कैसे पता चला क्योंकि वो 50 से ज्यादा है वेरी गुड तो ये एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि 100th प्लेस पे 50 से ज्यादा होगा या 50 या 50 से ज्यादा होगा तो रोल अप होगा अप होगा और अगर 50 से कम होगा तो रोल डाउन होगा गुड तो इसका आंसर क्या हो गया 900 अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 1000th प्लेस का कैसे पता लगाएंगे कि रोल अप होगा या रोल डाउन होगा वही 500 को देख के वेरी गुड उसमें क्या होगा 500 को देख के तो जैसे अगर मैं बोलूं 2 3 7 5 इसको हमें क्या करना है 1000th प्लेस पे करना है 1000th प्लेस कौन सी है 1000 ये वाली गुड अब बताओ ये रोल अप होगा रोल डाउन होगा ये वाला होगा रोल डाउन और रोल डाउन में आंसर क्या आएगा रोल डाउन में आंसर आएगा 1000 नहीं 2000 गुड इसका आंसर आ जाएगा 2000 गुड इसमें कोई डाउट रोल अप रोल डाउन में और ये नियरेस्ट 5 में क्या होगा अभी बता देते हैं नियरेस्ट 5 में पहले इसी के अंदर ही इसी के अंदर ही मुझे नियरेस्ट 10 बताओ नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 10 ये वाला प्लेस देखा और ये हुआ 75 आंसर ये 70 और 80 के बीच का नंबर है ना तो आएगा इसका होगा रोल अप होगा ना तो इसका आंसर होगा 80 तो आंसर क्या होगा
80. गलत. क्यों? 2000. अच्छा 2 3. 80. अच्छा समझ में आया? हाँ, उस प्लेस को तो भूल ही गया. 2380 होगा. गुड आउट. नो no.